सुभाष 117 प्रत्याशी देहरादून में मैदान में है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 632 है, लेकिन अगर अकेले देहरादून की मैं बात करूं तो 117 प्रत्याशी हैं। खूब दमखम यहां पर दिखाया गया, खूब उठा पटक सियासी, कुछ ऑडियो वायरल, कभी वीडियो वायरल तो कभी अश्लील बातें, ये तमाम चीजें हमें इस चुनाव में देखने के लिए मिली है। जनता पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जनता को इन सबसे मतलब नहीं है किसका ऑडियो वायरल हो रहा है, किसका वीडियो वायरल हो रहा है। जनता को मतलब है कि उनका विकास कौन कर रहा है, कोरोना काल में कौन उनके पास पहुंचा, कोरोना काल में वैक्सीनेशन उनके पास पहुंची या नहीं पहुंची, ऑक्सीजन पहुंची या नहीं पहुंची, और वहां पर राशन पहुंचा या नहीं पहुंचा। क्योंकि दुर्गम इलाकों में तो बहुत तस्वीरें ऐसी थी कि वहां पर कनेक्टिविटी का इश्यू था, पढ़ाई में बच्चों को बहुत दिक्कत हुई थी, ये मुद्दे थे। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कोरोना काल में जनता का मूड जो था वो बहुत बदला हुआ सा नजर आ रहा था, और राज्य सरकार से काफी खफा थी क्योंकि दूर दराज के जो क्षेत्र थे वहां राशन की व्यवस्था पूरी तरीके से नहीं हो पा रही थी, उनके जो बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस हैं उसके लिए नेटवर्क की व्यवस्था नहीं थी, फोन की व्यवस्था नहीं थी, लोग और सबसे महत्वपूर्ण चीज जिस चीज की जरूरत है स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि अब चुनाव आते आते सभी चीजों को भूलने की कोशिश जनता को कराई जाती है सभी राजनीतिक दलों द्वारा, बीजेपी कोशिश करेगी कि जनता इन सब चीजों को भूल जाए जिससे नकारात्मक सोच उनके अंदर पैदा, और कांग्रेस कोशिश करेगी कि उन सभी चीजों को याद दिलाया जाए जिससे आम जनमानस को नुकसान हुआ है। यानी कि ये साफ है कि दोनों ही राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए जनता को भुनाने, जनता के सामने मुद्दों को भुनाने की कोशिश करती है। लेकिन वहीं जैसे कि आपने बताया, राजधानी देहरादून में जो प्रत्याशियों की संख्या है वो बहुत ज्यादा, और ये वजह ये इसलिए भी है क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी भी बहुत अधिक संख्या में इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। खुद भाजपा के बागी चुनावी मैदान में उतरे हैं, यानी कि भाजपा में पहले वो भाजपा का झंडा उठाते हुए नजर आते थे, लेकिन क्योंकि उनको टिकट नहीं दिया गया तो उन्होंने भाजपा का दामन छोड़ दिया और वो निर्दलीय चुनाव मैदान पे उतरे हैं। तो कहा जा सकता है कि प्रत्याशी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो लड़ाई है वो केवल बीजेपी और कांग्रेस के में नजर आएगी।